तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है हम इसमें देखने जा रहे हैं ये नॉइस फिट की इवॉल्व एडिशन वाली ये जो स्मार्ट वॉच आई है उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो बॉक्स में यहाँ पे देखिए दो टाइप के वेरिएंट हैं इसके, स्लेट ब्लैक और ये वाला। और यहाँ पे स्क्रीन एमोलेड स्क्रीन दी हुई है। और सबसे अच्छी बात इसमें IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है। लाइट वेट स्मार्ट वॉच है। 9 स्पोर्ट मोड मिलते हैं। यहाँ पे डायनेमिक हार्ट रेट सेंसर मिलता है। साथ में स्मार्ट नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बॉक्स के पीछे यहाँ पे देखे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें की 5.3 सेंटीमीटर की एमोलेड स्क्रीन है, ब्लूटूथ 5 वर्जन है, 100 mAh की इसकी बैटरी है जो कि 3 दिन का यूसेज और 10 दिन का स्टैंड बाय टाइम देती है। और एंड्रॉइड iOS दोनों से ये वॉच कंपेटिबल है। तो यहाँ पे बॉक्स के पीछे कंटेंट भी दिए हुए हैं कि आखिर बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिल रहे हैं। और MRP की बात करें तो 7999 की इसमें MRP दी हुई है। तो चलिए अब फटाफट इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए वॉच रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इससे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर नॉइस ब्रांडिंग का स्टिकर चिपका हुआ है, इसको साइड में रख देते हैं। बॉक्स के बाकी कंटेंट को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अलग सा बॉक्स दिया हुआ है, इसको हाल फिलहाल साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे शायद ये कुछ थैंक यू नोट दिया हुआ है कि परचेज करने के लिए। यहाँ पे नोरा फतेही है। अब ये जो सेकंड छोटा वाला बॉक्स है इसको ओपन करके देखते हैं आखिर इसमें है क्या। तो यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं तो इसमें हाल फिलहाल तो केवल ये एक ही है, ये चार्जिंग डॉक दिया हुआ है। जी हाँ, ये USB टाइप वाला चार्जिंग डॉक है जिसके थ्रू हम वॉच को चार्ज कर पाएंगे। तो इसकी लेंथ है वायर की कुछ इतनी है। और ये देखिए प्लास्टिक का इसका कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें हम वॉच को लगा के देखते हैं कि आखिर ये चार्ज किस टाइप से होगी। तो इस तरह से इसको ओपन करना होगा और यहाँ पे जो ये चार्जिंग पॉइंट है इसको मैच करते हुए यहाँ पे इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेप है उसके इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग दी हुई है, मेटल का कंस्ट्रक्शन है। और ये जो पूरा स्ट्रेप है यहाँ पे ये सिलिकॉन का कंस्ट्रक्शन है स्ट्रेप का। तो यहाँ पे वॉच की बॉडी की बात करूँ तो ये एल्यूमिनियम जैसा कुछ कंस्ट्रक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे वॉच में नीचे की साइड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ IP68 वाटर रेसिस्टेंस है और यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट रेट सेंसर। और इसी तरह लिखा हुआ है यहाँ पे इसका नॉइस फिट इवॉल्व एडिशन। तो चलिए अब इसके स्टिकर को मैं यहाँ पे देखिए मेटल वाला कंस्ट्रक्शन लग रहा है। अभी हम इसके स्टिकर को यहाँ पे उतारेंगे। तो चलिए फिर इसको बूट करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे फटाफट बूट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये टुडे का ऑप्शन है जिसमें आज की एक्टिविटी आएगी, इसको स्वाइप राइट करते ही वापस बैक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं नीचे लेके जाता हूँ इसमें बताया गया था नो एक्टिविटीज हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं और एंड में यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है। तो जैसे मैं यहाँ पे किसी एक एक्टिविटी को अभी चला के देखता हूँ, सपोज जैसे कि मैं योगा को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे प्ले कर देता हूँ तो यहाँ पे गिनती स्टार्ट हो जाती है। अब जैसा कि इस वॉच के अंदर स्पीकर नहीं है तो ये केवल वाइब्रेट ही होती है और किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं देती क्योंकि इसमें स्पीकर तो है ही नहीं। तो इस तरह से ये वाइब्रेट करके आपका जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसको स्वाइप राइट करते ही ये स्टॉप और पॉज का ऑप्शन आएगा। तो इसको हाल फिलहाल हम बंद कर देते हैं। और दूसरे ऑप्शन की यहाँ पे और किसी की बात करो तो चलिए जैसे ये हार्ट रेट वाला है इसको हम चला के देखते हैं कि ये हार्ट मेजर करता है या नहीं। यहाँ पे देखिए सेंसर है, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं अपने जो फिंगर है वो लगा लेता हूँ पीछे और इसमें देखते हैं कि रीडिंग आखिर कितनी जल्दी आती है। तो अभी ये इनिशियल रीडिंग आ चुकी है 81 की। तो कई बार क्या होता है कुछ घड़ियाँ होती है जो कि फेक रीडिंग देती हैं। तो मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि क्या ये वुडन सरफेस की भी हार्ट रेट को मॉनिटर कर पाता है या नहीं। तो जल्दी से इसको देखते हैं। देखिए अभी तो ये रीड कर रहा है। जी हाँ, अभी भी रीड ही कर रहा है। तो यहाँ पे तो अभी कोई हार्ट रेट डिटेक्ट नहीं हुई है। तो मैं मेरी वॉच के स्ट्रेप पे इसको रखता हूँ कि देखते हैं क्या यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई रीडिंग आती है क्या। तो यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आई, इसका मतलब है कि सेंसर काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। नहीं तो कई स्मार्ट वॉचेस में क्या होता है आप कहीं पे भी रख दीजिए वो वहाँ पे रीडिंग जरूर शो कर देगा। तो अब यहाँ पे हम कोई दूसरा ऑप्शन देखे तो यहाँ पे देखिए स्लीप
ट्रैकिंग का इसमें ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे स्लीप का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। नोटिस का यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे नोटिफिकेशन है, और ये फोटोग्राफ्स जहाँ पे हम जो फोटो है वो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अलार्म क्लॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हैं। ये कंपास है जो कि अभी कैलिब्रेटेड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे 8 का फिगर बना के थोड़ा कैलिब्रेट कर देने की कोशिश करता हूँ। अभी भी कैलिब्रेट नहीं हुआ, तो मैं इसको एक बार वापस कैलिब्रेट करता हूँ। जी हाँ, आप कैलिब्रेट हो चुका है। तो एक बार जो इसका कंपास है, तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ अपनी जो दूसरे अदर कंपासेस हैं, जैसे कि मेरी होनर मैजिक वॉच 2 है, उसके कंपास से इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी होनर मैजिक वॉच 2 का कंपास है, तो दोनों के कंपास ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट सा कुछ अंतर फील हो रहा है शायद। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस तरह से यहाँ पे ये कंपास था। अब हम जिसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं। यहाँ पे BT म्यूजिक का है, इसके लिए हमें ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड द फोन और स्टॉप वॉच और सेटिंग। तो सेटिंग में यहाँ पे चल के देखते हैं कि आखिर सेटिंग में यहाँ पे क्या क्या है। सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड ऐप, नीचे आ रहा है यहाँ पे डायलिंग सेटिंग, तो यहाँ डाउनलोड ऐप के अंदर QR कोड आ रहा है। यहाँ डायल सेटअप के अंदर यहाँ पे कुछ वॉच फेसेस दिए हुए हैं, तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा, और ये पांचवा। तो इस तरह से टोटल 5 ही यहाँ पे वॉच फेस मिलते हैं। काफी लिमिटेड वॉच फेस है, तो आप यहाँ पे वॉच फेस इंस्टॉल भी नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ही दुख की बात है। तो यहाँ पे एक QR कोड पेयरिंग का है, और यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन में दिखाऊँ तो यहाँ पे फर्मवेयर का जो वर्जन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका टच रिस्पॉन्स भी मुझे कितना खास नहीं लगा। देखो मैं मतलब टच कहाँ कर रहा हूँ और कौन सा ऑप्शन खुल रहा है, तो थोड़ा सा इश्यू तो है इस वॉच के अंदर। जितनी इसकी प्राइस है उस हिसाब से वॉच इतनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है आउट ऑफ द बॉक्स ही। तो चलिए फिर फटाफट नॉइस फिट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, और इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से, और देखते हैं आखिर इस एप्लीकेशन में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसको हम लॉन्च करते हैं, और अब यहाँ पे कुछ परमिशंस मांग रहे हैं, तो इसको परमिशन दे देते हैं। और मैं फटाफट एक बार एप्लीकेशन को पूरे को शेयर कर सेट कर देता हूँ, और मेरी वॉच को भी इससे पेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये पेयर हो चुका है, तो चलिए अब हम एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। तो सेटअप के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस, स्टेप्स, कैलोरी, स्लीप हाउस, स्टेप काउंट, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। स्टेप काउंट में देखें तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से डिटेल्स आएंगी, और यहाँ पे आइडियल अलर्ट जैसे है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो जब भी मैं आइडियल रहूंगा तो ये वॉच मुझे नोटिफिकेशन देगी। यहाँ पे जो ऑटो हार्ट रेट सेंसर है, मैं उसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए गूगल फिट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो मैं इसको अलाउ करके ये गूगल अकाउंट से इसको लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे रिस्ट सेंस का ऑप्शन है, इसको मैंने इनेबल कर दिया है, ताकि जैसे ही मैं मतलब रिस्ट को मोड़ूंगा तो इसका जो डिस्प्ले है ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो डेट और टाइम है इसको भी सिंक कर देते हैं। यहाँ पे कैमरा शटर का ऑप्शन है, मतलब जैसे इसके थ्रू हम वॉच को एज ए शटर बटन यूज कर सकते हैं, और फोटो और सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन बात करें तो नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन है जिसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए, वो सारे को आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए, और बाकी को रहने दीजिए, मतलब जिसका आप इनेबल करना चाहते हैं उनको इनेबल कर दीजिए। तो इस तरह से इसको कुछ परमिशंस देनी पड़ेगी। अब इसके बाद में यहाँ पे आगे ऑप्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे अब नोटिफिकेशन का, जैसे मैं SMS का, कॉल का, व्हाट्सएप का, इंस्टा का, और यहाँ पे FB का, और ट्विटर का, फेसबुक का, इस तरह से इन मेजर एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे माई बंडल्स करके कुछ है, तो यहाँ पे पता नहीं क्या दे रखा है, बहुत सारी चीज दे रही हुई है। यहाँ पे स्किप लॉगिन कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ये डैशबोर्ड आने लग गया है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पे वारंटी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आने लग गया है, तो इसको मैं बाद में रजिस्टर कर दूंगा। यहाँ पे हाल फिलहाल अभी हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक बार जो ये वॉच है इसके जो फर्मवेयर अपडेट है, तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई फर्मवेयर अपडेट आई हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे है 9 फर्मवेयर अपडेट पर फाउंड, तो अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आई हुई है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये फाइंड डिवाइस का ऑप्शन यूज करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए
वॉच वाइब्रेट करने लगती है। तो अब हम ये वॉच के फाइंड डिवाइस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये किया है तो यहाँ पे ये फोन रिंग करने लग गया है। तो अभी रिंगटोन क्या, कोई गाना लगा रखा है इसलिए मैं अभी रिंगटोन आपको सुना नहीं सकता। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं आखिर नोटिफिकेशन किस टाइप से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे, और वॉच ने वाइब्रेट भी किया है। और यहाँ पे हम रिप्लाई का भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल हम नोटिफिकेशन को देख ही सकते हैं। तो मैं स्लाइड ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गए हैं। तो अभी हम फटाफट देख लेते हैं कि इसमें कॉल किस टाइप से आता है। तो यहाँ पे देखिए कॉल आ रहा है, और यहाँ पे केवल कॉल को रिजेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, कॉल उठाने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये वॉच इस समय वाइब्रेट कर रही है। अब इसमें जैसे कि स्पीकर है नहीं, तो हम इस वॉच के थ्रू बात भी नहीं कर सकते, केवल कॉल को रिजेक्ट ही कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका कॉल आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसका जो ये ब्लूटूथ म्यूजिक वाला ऑप्शन है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे बस प्ले पॉज का ऑप्शन आ रहा है, और नेक्स्ट और बैकवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो कुछ इस टाइप का ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बीटी म्यूजिक कंट्रोल के अंदर। तो कुछ इस टाइप की है ये नॉइस फिट इवॉल्व स्मार्ट वॉच। अगर आपके भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे वो आस्क कर सकते हैं, हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जवाब दे सकूं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।